उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में न्याय के लिए किन्नर दर दर भटक रहे हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व हाथ पांव पकड़कर नग्न वस्त्र करके किन्नर की बेरहमी से पिटाई करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अपने एरिया में बधाई मांगने पर भी भूरी किन्नर ने गुंडों के साथ मिलकर एक किन्नर की बेरहमी से पिटाई करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। भूरी अम्मा किन्नर के पास कई गुंडे प्रवृत्ति के लड़के रहते हैं, जिनमें कुछ लड़के किन्नर का वेश रख कर बधाई मांगने का काम करते हैं। उनमें से ही एक रवि यादव नगला अमान का रहने वाला है। वह आए दिन भूरी अम्मा किन्नर के कहने पर किन्नर बबली और उसके चेले को जान से मारने की धमकियां और घर पर पत्थरबाजी करता रहता है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह दबंग रवि ने दरवाजे पर पत्थरबाजी और जो गाय के रहने की जगह थी उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। रवि यादव अपराधी किस्म का व्यक्ति है, जो पूर्व में जेल की सजा भी काट चुका है। जब किन्नरों की कहीं सुनवाई नहीं हुई, तब आज बबली किन्नर ने SSP फिरोजाबाद का दरवाजा खटखटाया। अब देखना यह होगा कि क्या किन्नरों को न्याय मिलता है या फिर क्या ये न्याय के लिए यूं ही दर दर भटकते रहेंगे। मैं बबली गुरु के साथ वनाई पर जा रही थी, तो हम कॉलोनी के अंदर जा रहे, उसी समय एक भूरी नाम की किन्नर हैं, उनके पास कोई असली किन्नर नहीं है और उन्होंने उसी समय आकर नकली लड़कों को साड़ियाँ पहना के, तगड़ी लड़की हैं काफ़ी, हम लोग उनका क्या कर सकते। उन लड़कों ने हमें आके डायरेक्ट हमला किया और हमारे कपड़े फाड़े, काफ़ी बेइज्जत किया और हमारा सोना चांदी भी, वो भी सब छीन के ले गए। और थाने में जब हमने कंप्लेन किया तो थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई है। अब हमें न्याय चाहिए। मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। सही है, धमकियाँ मिलती रात भी, लड़के घर पे आए थे, किवारों में पत्थर मार रहे थे, ईंट पत्थर निकलो, घुसने के बाद तुम्हें जान से मार दूंगा। 4-5 लड़के, नाइट की बात है, अच्छा टम होगा 10 बजे का या 9:30 का। जब हम लोग उसी अंदर थे तो भी गाली दे, बहुत बुरी तरह, तुम्हें मार दूंगा, तुम दिख मन जो शहर में और ईट पत्थर के निशान में गेट पे, इतनी धमकी दे रहे, गाली दे रहे, बोल मैं यहाँ से भाग जाओ, शहर खाली करके चले जाओ। वो लड़के मुझे धमकी दे रहे थे। भूरी अम्मा बेटी है, ये भूरी अम्मा किन्नर है, इसके पास कोई असली किन्नर नहीं है, इनके पास सब लड़के हैं। वो लड़के साड़ी पहन पहन के आते हैं और हमको परेशान करते हैं, जहाँ भी मिल जाए पिटाई लगाते हैं। अब हम उनका क्या कर लेंगे, वो पहलवान है, हम इतने नाजुक, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। बताइए, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।